हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि रोज वीडियो डालना चाहिए कि नहीं, आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग डेली वीडियो डालते हैं, कुछ लोग वीक में दो वीडियो डालते हैं और कुछ लोग मंथली डालते हैं। तो इट्स डिपेंड कि आपकी क्या स्किल है, आप कितनी जल्दी वीडियो बना लेते हैं, वीडियो डालने से व्यूअर्स आपके वीडियो पे आते हैं कि नहीं आते हैं। इस पे टोटली डिपेंड करता है कि आप रोज वीडियो डालिए या ना डालिए। जैसा कि लोग एडवाइस करते हैं कि इफ यू आर अ न्यू कमर तो आपको रोज वीडियो डालना चाहिए, लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि रोज वीडियो डालने से अगर आपका वीडियो कोई देख ही नहीं रहा है तो उसको रोज डालने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे सिर्फ उसमें रेपिटेशन होगा, आप टॉपिक का रेपिटेशन करेंगे और कंसिस्टेंसी आप बना लीजिएगा, लेकिन आपके वीडियो की क्वालिटी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप हड़बड़ी में वीडियो बनाइएगा और उसको टाइम भी एक आप सेट करे रहिएगा, उस टाइम पे रोज वीडियो आपको डालना है, तो आप क्या होगा उस टाइम पे जब वीडियो डालने के लिए हड़बड़ी में रहिएगा तो आपका वीडियो ठीक से एडिट हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी वॉइस चेक नहीं कर पाइएगा, उसका टॉपिक प्रॉपर नहीं मैनेज कर पाइएगा और कायदे से उसको नहीं बना पाइएगा, जिससे आपका वीडियो फिर लोग कम देखेंगे। तो अगर अच्छा वीडियो और उसको शेड्यूल करते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं और टाइम से डालते हैं तब तो आपका वीडियो चलेगा, अदरवाइज वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। तो टोटली इट्स डिपेंड कि आपके वीडियो पे क्या व्यू आ रहा है, उसके हिसाब से अपने वीडियो को आप डालिए और कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करिए। अपने वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी बनाइए, उसका कंटेंट बहुत अच्छा बनाइए। आप जब खुद सेटिस्फाइड होइए तब लोगों को उस वीडियो को प्रोवाइड करिए। अगर आपका वीडियो अच्छा नहीं है तो कोई क्यों देखेगा, क्योंकि यूट्यूब पे तो लाखों वीडियो ऐसे पड़े हैं जो सेम टॉपिक पे हैं। आप कितना भी टॉपिक चुन के बनाइए लेकिन कहीं ना कहीं आपका वीडियो का टॉपिक किसी ना किसी से टैली कर जाएगा और अगर उसका वीडियो आपके वीडियो से अच्छा है तो लोग उसके वीडियो को देखेंगे, आपके वीडियो को नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसके वीडियो में उसको ज्यादा फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी वॉइस अच्छी है, उसकी पिक्चर अच्छी है, उसका सब कुछ अच्छा आपसे है, तो आपका वीडियो वो ना देख करके उसी का वीडियो देखेंगे तो जिसका वीडियो ज्यादा अच्छा है। तो क्वेश्चन उठता है कि फिर कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है और क्यों अपना वीडियो रोज डालना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका चैनल किस टॉपिक पे है और आपका क्या एम है और आपका क्या टाइम पब्लिशिंग का है, इस सब पर आपका वीडियो का व्यू आता है। चैनल किसका है, जैसे फूड का चैनल है तो लोग रोज ही डालेंगे, आप एंटरटेनमेंट का चैनल है तो रोज डालेंगे, ट्यूटोरियल है तो रोज डालेंगे, लेकिन ट्यूटोरियल में भी अगर स्टूडेंट ग्रैप्स नहीं कर रहा है आपकी बात तो आप वीडियो अल्टरनेट डेज भी डाल सकते हैं, क्योंकि इट इज नॉट बाउंड कि रोज आप जैसे स्कूल में या कहीं पे बड़े इंस्टीट्यूट में क्लासेस लेते हैं वैसे ही आप ऑनलाइन भी लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस का मतलब यह है कि स्टूडेंट अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आपका वीडियो देखता है, वो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपका ट्यूटोरियल देखेगा और अगर बेस्ट ट्यूटोरियल होगा तभी वो उसको फॉलो करेगा और आपके चैनल पे कई बार आएगा अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। इट्स टोटली डिपेंड कि आपके चैनल का टॉपिक क्या है और अगर शॉर्ट चैनल है तो उस पर आप एक से ज्यादा वीडियो भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक वीडियो डालने से उस पर रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बहुत से ज्यादा शॉर्ट में दो या तीन, उसके बाद लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका वीडियो किस टाइम पे पब्लिश किया गया है। टाइम से मतलब रिलेटेड है कि जिस टाइम आपके ऑडियंस ज्यादा रहते हैं वो आप एनालिसिस करके देख सकते हैं कि आप शुरू से क्या रूटीन रखे हैं, किस समय आप अपना वीडियो अपलोड करते हैं, आपके व्यूअर्स आपको को किस टाइम के लिए जानते हैं कि आप इस टाइम वीडियो अपलोड करते हैं, तो वो उसी टाइम आपके वीडियो पे आएंगे और आपका वीडियो देखेंगे। अगर आप टाइम रोज बदलिएगा तो व्यूअर उस टाइम आपको ढूंढने पर नहीं मिलेगा वीडियो, तो सोचेंगे वीडियो नहीं आया है और आपका वीडियो नहीं देखेंगे। अब आपका ये भी डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, चैनल का
गोल केवल पढ़ाना है कि एंटरटेनमेंट करना है कि रेसिपी दिखाना है कि पेशेंट्स की रेमेडी देना है, इस सब पे डिपेंड करता है कि आपका चैनल का गोल क्या है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने वीडियो को बना के उसी कंसिस्टेंसी के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी कंसिस्टेंसी को तय करिए, ना कि इसलिए कि डेली रोज करेंगे तो हम वीडियो हमारे सक्सेसफुल होंगे। तो न्यू अप्रोच यही है कि आपका डिसाइड करिए कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा वीडियो बनाइए और इतना अच्छा वीडियो बनाइए कि आप लोगों में अपने को प्रूफ करिए कि आपके वीडियो से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो और वो बार बार आपके वीडियो को एडिक्ट हो जाए और वीडियो को बार बार देखने आपके पास आए। और अगर आप बहुत ऑफन वीडियो पब्लिश कर रहे हैं और उसको कोई नहीं देख रहा है, एज अ ट्रैश वो चला जा रहा है और आप खुद भी खुश नहीं है क्योंकि आपको ना व्यूज मिल रहे हैं ना सब्सक्राइबर मिल रहे हैं ना आपका वीडियो चल रहा है और व्यूज भी घट रहे हैं और सब्सक्राइबर भी घट रहे हैं और मेंटली भी आप प्रिपेयर नहीं है नेक्स्ट वीडियो के लिए, आपके पास इतना डेटा नहीं है, इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप प्रिपेयर नहीं हो कि नेक्स्ट डेटा को आप प्रोवाइड करो, तो आप कुछ समय के लिए उसके लिए रेस्ट ले सकते हो। व्यूज और सब्सक्राइबर कम होने पे आप डिमोरलाइज भी हो सकते हो, तो उतना ही वीडियो डालो जिसमें आपको सक्सेस मिले और आप अपनी सक्सेस को प्रूव करो। हमेशा कॉन्सेंट्रेट करो कि आपका वीडियो बहुत अच्छे कंटेंट का हो कि कोई देखने से रुक ना पाए और शेयर भी करे, इतना अच्छा वीडियो हो कि लोग कंपेल हो जाए कि आपका वीडियो शेयर भी करे, क्योंकि शेयर करने से रिकमेंड करने से वीडियो सबसे ज्यादा चलता है। जैसा कि आपको मालूम है कि रिकमेंडेशन का वीडियो सबसे ज्यादा चलता है, तो आप वीडियो को रिकमेंड भी करिए। और अगर आपको लगता है कि हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा। पब्लिशिंग कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है आपके एफर्ट पे, आप कितना एफर्ट करते हो, आप कितना प्रिपेयर हो, आप कितना स्टडी करते हो, आपके पास डेटा अगर अधिक है और आप उसको इतना डेटा को कलेक्ट करके इतना इन्फॉर्मेशन रखते हो कि आप रोज प्रोवाइड कर पाओ वीडियो, तो आप डाल सकते हो रोज वीडियो, और लेकिन उस पे रिस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए तभी आप ग्रो कर पाओगे। और ज्यादा वीडियो मतलब ज्यादा पोटेंशियलिटी है, ज्यादा रेवेन्यू है, ज्यादा लोग देखेंगे तो व्यूज ज्यादा आएंगे तो ज्यादा रेवेन्यू होगा। अगर आपका वीडियो का टॉपिक बहुत यूनिक है जो यूट्यूब पे नहीं है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आपकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, उसकी वॉइस भी बहुत अच्छी है, प्लस उसकी एडिटिंग बहुत अच्छी है। अब जैसे आप एनिमेशन का वीडियो बनाते हैं तो उसमें एडिटिंग बहुत अधिक मांगता है क्योंकि उसमें वॉइस की सिंक्रोनाइजेशन और आपके जो स्क्रिप्ट लिखी है उसकी वॉइस प्लस किस समय क्या चीज आना चाहिए एनिमेशन में, ये सारी चीजें सेट करने में बहुत टाइम लगता है। तो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से एनिमेशन वीडियो बनाने में आपका एडिटिंग का स्किल सबसे ज्यादा चाहिए होता है, और आप पे अगर स्किल नहीं डेवलप है तो पहले स्किल डेवलप कीजिए और फिर तब फ्रीक्वेंट कंसिस्टेंट डेली भी वीडियो आप डाल सकते हैं अगर आपका वीडियो बहुत अच्छा बनता है। लेकिन अगर आप में स्किल नहीं है तो पहले स्किल को पॉलिश करिए, वो उसको सीखिए कि वो अच्छे से आपका वीडियो बन पाए। अगर अच्छा वीडियो होगा तभी वो चलेगा और कंसिस्टेंसी भी आपकी मेंटेन होगी, टाइम भी मेंटेन होगा और वीडियो आपका लोग देखना भी पसंद करेंगे, क्योंकि अगर वीडियो में क्वालिटी नहीं होगी तो लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, वो उन वीडियोस पे चले जाएंगे जिन वीडियो की क्वालिटी अच्छी है। प्लस आपका थंबनेल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्लिकिंग होना चाहिए और उसमें कुछ सस्पेंस होना चाहिए। अगर सस्पेंस नहीं होगा तो लोग आपके वीडियो को क्लिक नहीं करेंगे ना ही उसको देखेंगे। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख के पूछिएगा और शेयर जरूर करिएगा, और अगर पसंद है बहुत तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।